अगर आपने ELP का फॉर्म भर दिया है तो आपके सामने एक बढ़िया मौका है, टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली, RRB टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें क्या है डिप्लोमा ITI 12th वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। इसके बारे में आगे आपको हम बताएंगे कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, जात जो आपका जात है या निवास है वो कहाँ का लगेगा, सेंटर वाला या स्टेट वाला, है ना, तथा फोटो सिग्नेचर आपको कैसे कैसे, हर चीज़ बात करेंगे कि खासकर हमारा जो फोकस रहने वाला है कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आप क्योंकि ELP में बहुत सारे बच्चे क्या है लास्ट डेट का इंतजार कर रहे थे कि लास्ट डेट में भरेंगे, फिर क्या हुआ जब फॉर्म ओपन किए तो उन्हें क्या है सेंटर वाला डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा था। अच्छा कुछ लोग क्या है स्टेट वाला भी लगा के कर दिए हैं कि जब मेरा फाइल सिलेक्शन हो जाएगा तो बनवा लेंगे। अब उसके कंडीशन में हो सकता है कि उन्हें RRB ले ले और हो सकता है ना ले, तो इस पर कभी हम बात करेंगे। देखिए मित्रों आपको मैं सबसे पहले क्या है जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो क्या है मार्च में आएगी और अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा 2024 में ही। तो क्या है सबसे पहले बात करते हैं इसका जो फॉर्म है कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए सबसे पहले आप 10वीं पास होंगे, उसके बाद में अगर आपने ITI किया है या पॉलिटेक्निक किया है मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से और ITI के बहुत सारे ट्रेड्स हैं तो क्या है आप फॉर्म भर सकते हो। दूसरा अगर आपने 12th किया है, 12th में क्या होना चाहिए फिजिक्स एंड क्या है मैथ होना चाहिए, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आपने 12th में लिया था तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बायो लिया था या कंप्यूटर से अगर आपने किया है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। दोबारा सुन लीजिए 10th के साथ में ITI, 10th के साथ में पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा जिसे बोलते हैं, एंड पॉलिटेक्निक के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे ही यहाँ पर अलाउ होते हैं, 3 ब्रांच 6 अलाउ होता है। जो नेक्स्ट है कि अगर आपने 12th में PCB लिया था तो अलाउ नहीं है, आप अगर आपने PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया था तो आप अलाउ हैं भरने के लिए। चलो अब ये बात होगी कौन फॉर्म भर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मेरे मित्र कि जो उसकी फीस होती कितने रुपये लगती है, तो 250 रुपये आपकी SC ST एंड EBC कैटेगरी, EBC आगे मैं आपको बताने वाला हूँ क्या होता है, फिर क्या है और 500 रुपये आपका OBC का एंड जनरल का लगता है। देखिए जो आपकी फीस होती है वो जनरल OBC का 100 रुपये काटकर जब आप CBT 1 में बैठते हो तो क्या है आपका वापस कर दिया जाता है, 100 रुपये काटकर यानी 400 रुपये आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका अगर आप EBC से हैं या SC ST से हैं तो आपका 250 रुपये जो लगा है वो भी अब टोटल का टोटल बिना किसी डिडक्ट होने के माध्यम से भी आपके पूरा का पूरा जो पैसा है आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है, ये चीज़ अब हो गई। अच्छा अब बात करते हैं कि अगर आप फॉर्म भरते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहली चीज़ तो आपका फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, 30 से 70 KB का होना चाहिए, आप खुद से भी फॉर्म भर सकते हो। और जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है अगर आपके पास सेंटर वाला जात प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक आप स्टेट वाला बनवाते हैं यानी अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या बिहार से हैं तो एक स्टेट वाला होता है, स्टेट वाला वहाँ पर नहीं चलेगा, वहाँ पर सेंटर वाला चलने वाला है। आप कहोगे भैया मैंने फॉर्म भर दिया है या ELP में लगा दिए हैं तो क्या गलती हुई। अब ये RRB पर निर्णय होता है कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम का लेते हैं कि नहीं लेते, लेकिन आपको गलती नहीं करना है कि 6 साल बाद वैकेंसी आ रही है तो आपको थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका कट ऑफ आता है और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ऐसा ना हो कि आप CBT 1 दे CBT 2 दे और आप ज्वाइनिंग से क्या है ना ले पाएँ, ये फाइनल ज्वाइनिंग ना ले पाएँ। तो ये चीज़ आपका बेसिक चीज़ रहा। डॉक्यूमेंट्स आपको दोबारा बता दूँ, OBC प्रमाण पत्र चाहिए यानी सेंट्रल वाला चाहिए, फोटो सिग्नेचर चाहिए, पैसा चाहिए और आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे अगर आपके पास योग्यता है पॉलिटेक्निक ITI या 12th में PCB, है ना। अब बात करते हैं कि EBC क्या होता है। EBC ये एक ऐसी कैटेगरी रखी गई है, खाली ये फीस के लिए होती है, ध्यान रखना है इसमें नौकरी के आरक्षण वगैरह कोई प्रावधान नहीं होता है। आप देख लीजिएगा अब जो ELP का आया हुआ था नोटिफिकेशन उसमें पढ़ लीजिएगा, उसमें साफ साफ शब्द में कहा गया है कि इससे नौकरी से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब EBC कि अगर आप अप्लाई करते हो तो सिर्फ आप फीस के कटौती के लिए पात्र हो, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि अगर आपके पास 500 रुपये हैं अगर आप दे सकते हो तो आपको EBC फॉर्म EBC आपको नहीं सेलेक्ट करना है। अच्छा EBC किसे कहते हैं, तो EBC जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम है, जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम है। अब किसकी आय, स्टूडेंट की तो आय होगी, उनके फादर की आय या उनके फादर या मदर मिला के 50,000 रुपये से कम है तो आपको क्या है EBC चूज कर सकते हो। और आप जैसे EBC चूज करोगे तो जो आपका फीस है 500 रुपये, जैसे आप OBC से हो, SC और ST से हो तो आपको लगाना ही नहीं है, अगर आप जनरल से या OBC से हो तो अगर आप EBC चूज करोगे तो आपका जो 500 रुपये फीस था वो 250 रुपये हो जाएगा। लेकिन जैसे आप 250 तो आप बचा लोगे, लेकिन जब आप DV करवाने जाओगे तो आपको नया बनवाना पड़ेगा तो उसमें 100-200 रुपये वैसे खर्च हो जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं बात बराबर हो जाती है। और अगर आप EBC सर्टिफिकेट लगा देते हो तो आप अगर DV के टाइम प्रस्तुत नहीं कर पाते हो तो आपको आपात घोषित किए जाओगे और आप क्या DV से बाहर कर दिए जाओगे, यानी आप फाइनल सेलेक्शन से बाहर कर दिए जाओगे।
तो ध्यान रखना है ईवीसी सर्टिफिकेट नहीं लगाइए तो ही बेटर होगा, है ना। तो अगर लगा दिए गलती से तो उसे संभाल कर रखिए, या आप बनवा लीजिए अगर नहीं है तो 50,000 के अंदर का बनवा लीजिए, जो वार्षिक आय, मंथली नहीं वार्षिक आय, ध्यान रखना है। तो आई होप कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि ईएलपी में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, किन किन गलतियों का हमें नहीं करना है। अगर आप थोड़ा सा अगर आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, चाहे ईएलपी हो चाहे टेक्नीशियन के बारे में जानना है, तो अभी यूट्यूब पर सर्च करिए ये ईएलपी वर्सेस टेक्नीशियन क्या होता है बाय SWR। कोई चीज़ अगर आपको सर्च करना रहे तो बाय SWR जैसे आप लगाओगे तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे वीडियो लाते हैं तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।